सो व्हाट इज अप एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइज अभी हम लोग फिलहाल, आपको मैंने पिछले व्लॉग में ही पेंट किया था, तो यहीं से शुरू करेंगे गाइज। तो अब देखिए यहाँ पे राजगीर द्वार है गाइज, तो यहाँ पे चल। सो गाइज अभी देख सकते हैं हम लोग राजगीर सिटी में इंटर कर चुके हैं और यहाँ पे बेहतरीन सा नजारा गाइज, मतलब सीरियसली ऐसा पहाड़ भाई, इतना बेहतरीन। सो गाइज अब देख सकते हैं राजगीर आए और टमटम पे ना घूमे तो कैसे होगा गाइज। यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन टमटम, और यहाँ पे पहाड़ का नज़ारा भी देख लीजिए गाइज, कितना बेहतरीन है। और यहाँ भी देखिए पहाड़ है गाइज, बहुत ही बेहतरीन सा पहाड़, मतलब मजा आ जाता भाई, सीरियसली पहाड़ वहाड़ देख के दिल खुश आता जो बात है। और इसी पहाड़ पे अगर बर्फ़ गिर जाए तो आहा हा, फिर अलग मज़ा। तो उसके लिए तो हम लोग को मनाली जाना पड़ेगा गाइज। तो चलिए कोई बात नहीं, किसी दिन वहाँ भी चल लेंगे आप लोगों के साथ। तो आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और थोड़ा सा देखिए इतना बेहतरीन नज़ारा गाइज। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. So guys, चलिए अभी जंगल सफारी में जा रहे हैं। फिलहाल एक स्कॉर्पियो आ रहा है और अब मुझे लगता है कि यहाँ से यहीं से जाना है गाइज। सो गाइज हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं राजगीर वन्य प्राणी सफारी। सो जो वाइल्ड लाइफ जो सफारी है, तो चलिए अब अंदर चलते हैं गाइज। और हम लोग इधर चले गए थे बाय मिस्टेक, तो फिर हम लोग घूम के वापस है क्योंकि 4 नंबर गेट ये है और यहाँ गाड़ी पार्किंग करके फिर आपको वहाँ जाना होगा। तो चलिए अभी बाइक को लगाते हैं इधर, और यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है पहाड़ के साथ व्यू। तो चलिए ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं आपको और चलते हैं डायरेक्ट अंदर में। चलिए गाइस। साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया, आप देख सकते हैं कहीं भी गंदगी नहीं है। और ये देखिए राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है गाइस वहाँ पे। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। सो गाइस अभी काला चश्मा पहन लिया क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा, कम से कम आँख तो बचे, टैन तो हो जाएंगे मानता हूँ, लेकिन चलिए ये भी एक अलग से एक्सपीरियंस है गाइस। इस एक्सपीरियंस को भी लेना चाहिए, हर एक्सपीरियंस को लेना चाहिए आदमी को, ताकि वो हर एक्सपीरियंस में इंजॉय कर सके, कुछ सीख सके। मैं तो चाहता हूँ कि पता है आप लोग भी एक्सप्लोर किया करो। एक्सप्लोर करने में क्या होता है, आदमी नई कुछ एक्सपीरियंसेस मिलती है उन्हें, और थोड़ा सा उनको समझ भी मिलता है, बहुत आदमी का बुद्धि खुल जाता है बाहर जाके। तो चलिए हम लोग अंदर जा रहे हैं, थोड़ा बुद्धि अपना भी खुलवाएंगे। 2 टिकट दे दीजिए भैया। अच्छा ठीक है, वहाँ भीड़ ना लगे।
सो गाइस एक टिकट मिल गया है और ये दीपक भाई कहाँ है? इधर अरे कहाँ गए हुए? इनका भी टिकट इनके पास हो गया। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी टिकट काउंटर पे। और भैया कितने का है टिकट? एक 150 का एक टिकट है, तो दो टिकट दे दीजिएगा भैया। सो गाइस अभी हम लोग पैसा और टिकट दोनों मिल चुका है, तो जू सफारी चलते हैं। और गाइस अभी डायरेक्ट हम लोग जाएंगे जू सफारी में, क्योंकि अभी फिलहाल 1 बजे का टाइमिंग मिला था, तो 1 बजे फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे जू सफारी के लिए हम लोग जो टिकट लिए थे इनको देना है, और दो टिकट हम लोग लिए थे। और यहाँ पे एंट्री टिकट भी दिखाना है। ओके, तो गाइस अभी हम लोग एंट्री टिकट सब ले चुके हैं और अंदर जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे म्यूजियम टाइप का चीज़ है, चलिए आपको अंदर घुमाते हैं। सो गाइस यहाँ देख सकते हैं राजगीर का जू सफारी, ये आप देख सकते हैं, ये धरती है जो कि अलग अलग तरह का दिखाया गया है, जिसमें आग वाग का सब है। आप देख सकते हैं, ये आपको मैं दिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से हमारा धरती, ये है ये वाला, जिसमें आप लैंड भी देख सकते हैं, ओशन भी देख सकते हैं। सो गाइज ये देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, कलाकारी तो बहुत अच्छा किया गया है भाई, मज़ा आ रहा है देखने में, सीरियसली बहुत बेहतरीन लग रहा है। और ये देखिए, और सबसे बेहतरीन यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन देख सकते हैं, पहले लोग कैसे हुआ करते थे, उसके बाद लोग आते हैं कैसे हुआ करते थे, उसके बाद फिर ऐसे हो गए, थोड़ा सा कुछ आ गया ढंग चाल, उसके बाद वो पूरा सीधे हो गए, और इंसान के टाइम में सेम ही इंसान हो गए, और थोड़ा सा और आप इधर आते हैं, फिर इस टाइम तक वो कपड़े नहीं पहना करते, छोड़ो छुपा रहा हूँ मैं सब चीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे बेहतरीन सा, फिर इन लोगों ने पत्तों का जो लीफ का जो कपड़ा स्टार्ट किया, तो वो हुआ, फिर थोड़ा सा कपड़ा पहन लिया भाई, जो देखो थोड़ा सा अच्छा और लगने लगा। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अभी के टाइम में जो इंसान जो है भी हम लोग है, तो वो फाइनल जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भाई शेर खान, ये देखिए यहाँ पे भी शेर खान है भैया, लायन, पता चला अभी उठ के बोले क्या बे भैया, सबको बोलो ना सब्सक्राइब कर ले, जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज़ बोल देना। सो गाइस ये देख सकते हैं, यहाँ पे लेपर्ड है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है, देखिए लेपर्ड ऐसा ही होता है, आप देख सकते हैं लेपर्ड है, और ये भी लेपर्ड ही लग रहा है, एक मेल एक फीमेल होगा। और यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं क्या है, बियर है, बियर। सो गाइस दिस इज बियर, सो गाइस ये बियर है, और आपको देख सकते हैं बारह सिंगा इसको बोलते हैं। सो गाइस ये है म्यूजियम का मस्त सा व्यू आपको जो मैंने दिखा दिया, और यहाँ पे भी बियर है, ये सॉरी यहाँ पे भी डियर है, इसमें सिंह है और इसमें नहीं है, इसको बारह सिंगा बोलते हैं शायद से। और यहाँ पे देख सकते हैं छोटा छोटा डियर जो है, बहुत बेहतरीन सा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सब सारा कुछ है इधर। तो जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो फिर ज़रूर आइएगा इधर, क्योंकि यहाँ पे घूमने लायक सच में बहुत अच्छा है, राजगीर सच में बहुत अच्छा प्लेस है गाइस। और फिलहाल हम लोग आए हैं एंड के टाइप पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हिरन, सबसे पहले जू सफारी हम लोग चल रहे हैं ना, आप पहले जू सफारी चले जाएंगे, 11 से 12 स्लॉट है, आप जू सफारी आप चले जाइए, इसका टाइमिंग अभी 1 बजे है, आपको अच्छा। टाइम लगेगा, ठीक है। सो गाइस भैया ने बहुत हेल्प किया हम लोग का, और देखिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभी हम लोग हेल्प करते हैं। सो भैया यहीं पे रहते हैं, यहाँ काम करते हैं ना, तो यहाँ पे एक स्टाफ है यहाँ काम करते हैं, तो इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं, थैंक यू भैया, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, ठीक है। तो ये वाला हम लोग लेते हैं और हम लोग चलते हैं उधर। यहाँ पे अभी देखिए बहुत ही बेहतरीन सा नज़ारा, बहुत ही बेहतरीन, यहाँ पे चिल्ड्रन का पार्क है गाइस, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपको दिखाता हूँ, वैसे टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, फोन का किसी भी पल वीडियो बंद हो सकता है। आपका सफारी टिकट है, जब आप लोग सफारी घूम के रिटर्न यहाँ पे आएंगे तो आपके पास में एक एंट्रेंस टिकट है, ये एंट्रेंस टिकट से उस कमरे में, प्लीज लुक देयर,
3D थिएटर 180 डिग्री पे है जो आप दोनों देख सकते हैं। अच्छा। और वो टीवी दिखाई दे रही दीवार पे जी, जस्ट उसके अंदर वाली कमरे में म्यूजियम है, हमारे जो भी एनिमल्स अवेलेबल हैं उनका स्टैचू बनाया है, बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत है, वो भी देख सकते हैं। सो प्लीज ये टिकट पकड़ेंगे और अभी आगे से राइट लिंक बस आपको इंतजार कर रही है, प्लीज गो। थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा लगा कि मेरे राजगीर में आप आए और हमारे जू सफारी में आए घूमने के लिए, थैंक यू, सभी लोग को वेलकम है, बहुत अच्छा मतलब बताए बेहतरीन, दिल छू गया, बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सो गाइस देखिए ये राजगीर में हम लोग आए थे और यहाँ का जो मतलब उसको क्या बोलते हैं, मतलब कि आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब किसी का आदर सत्कार बहुत ज्यादा मस्त है, तो बहुत ही बेहतरीन सब भाई यहाँ पे वाइब है, आप आ सकते हो। यहाँ पे मंकीज भी बहुत ज्यादा है गाइस, और आपको जंगल वंगल है, तो भाई यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं आप देख सकते हो, कितना मस्त उन्होंने स्वागत किया जैसा भी रहता है। और अब देखिए यहाँ पे वही उसी बस में हम लोग जाना, जो उसको बोलते हैं वैन बोलते हैं, उसी में हम लोग जाते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं, यहाँ पे आप बंदर भी है गाइज, और बंदर को छेड़ना नहीं है क्योंकि बंदर यहाँ अटैक कर देते हैं, और सीरियसली मुझे डर लगता है मंकी से, मेरे को इतना बड़ा शरीर आप देख रहे होगे लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, मंकी से मेरे को बहुत डर लगता है, क्योंकि मंकीज काट लेते हैं, काटते हैं तो फिर रेबीज हो जाता है। सो गाइज अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, फिलहाल भीड़ बहुत ज़्यादा है इसमें। सो गाइज अभी सफारी में जा रहे हैं और भैया अनाउंस भी कर रहे हैं कुछ कुछ, अब देख सकते हैं ये एंट्री का गेट है भाई, ये जो गेट देख रहे हैं ना नालंदा विश्वविद्यालय का गेट है, और यहाँ पे चलिए एकदम जुरासिक पार्क टाइप का नहीं था वैसा ही बनाया गया है, सो बहुत ही बेहतरीन। चलिए अभी यहाँ से एक और गेट खुलने वाला है गाइज, और चलेंगे अंदर। सो यहाँ पे मैं बैठा हूँ, देख लेंगे, पहला हम लोग का हर्बी बोर्ड जोन है, इन्फॉर्मेशन देखिए सुनिए भैया बोल, इस सफारी को पांच जोन में बांटा गया है, पहला जो है हर्बी बोर्ड सफारी है, दूसरा जो बेयर सफारी है, तीसरा है लिपर सफारी, चौथा है जो टाइगर सफारी है, पांचवा लायन से, सब मैं बारी बारी से ले चलता हूँ आप लोग को, चलिए आगे एंट्री करते हैं। तो भैया लेके जाने वाले हैं बारी बारी से हम लोग को सब जगह, तो चलिए अब चला जाए, चलिए यहाँ से आप लोग का जंगल स्टार्ट होती है। सब देख सकते हैं गाइस यहाँ पे, देखिए मैं सो ज़ूम करता हूँ, देखिए यहाँ पे वहाँ देखिए झाड़ियों के नीचे धूप के कारण सब झाड़ियों मिलेंगे अभी। सो गाइस ये वाला जो जंगल सफारी जहाँ हम लोग आए हैं वो इंडिया का इकलौता ऐसा सफारी है जहाँ पे पहाड़ के बीच में है, दो पहाड़ के बीच में बनाया गया, क्या नाम बोले भैया, सोनगिरी वैभवगिरी, सोनगिरी और वैभवगिरी के बीच में है। तो गाइस देख सकते हैं रॉ एकदम जंगल टाइप है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत मजा आ रहा है, आगे देख सकते हैं व्यू कितना मस्त है। सो गाइस यहाँ मैं फोकस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये है ब्लैक बक जिसने सलमान खान को कोर्ट तक घसीट दिया है। सो गाइस यही है वो, मैं इसको और ज़ूम कर देता हूँ आपके लिए, देखिए वहाँ बैठा हुआ है ये लोग, तो आपने देखा होगा भाई, सबसे बेहतरीन यहाँ का रास्ता है, बहुत मजा आ रहा है रास्ते में। अब जा रहे हैं सर हम लोग भारत के अमोल रत्न को देखने, चलिए स्वर्णा देखते हैं। तो गाइस चलिए स्वर्णा देखते हैं, वाइट टाइगर। सो गाइस यहाँ पे लोग टाइगर का वेट कर रहे हैं लेकिन टाइगर अफसोस वहाँ पे उसके नीचे झाड़ी के नीचे कहीं मस्त आराम से सो रहा है, आप देख सकते हैं एक गाड़ी यहाँ पे है और एक गाड़ी पीछे भी है, सो कुल मिला के सब लोग वेट कर रहे हैं लेकिन टाइगर निकल ही नहीं रहा है, तो टाइगर मस्त अपने मस्त में, टाइगर अपनी मस्ती में है गाइस और आराम से सोया हुआ है, टाइगर नहीं आ रहा है, देखते हैं अगर हम लोग दिखता है आप लोग बने रहिए चैनल में। राहुल वहाँ पे देख सकते हैं निकला, बॉन्ड से निकला है, बाहर जा रही है, हाँ पीछे करो, वहाँ पे है गाइस अब लेकिन अभी नहीं दिख रहा है, देखिए वो देखिए दिख रहा है, हाँ बोलिए देख सकते हैं गाइस यहाँ पे शेर अभी दिख गया है, यही है देखिए, अच्छा टाइगर टाइगर है गाइस देख लीजिए, बहुत मुश्किल से दिख गया लेकिन दिख गया, देखिए जा रहा है यहाँ पे, भारत माता की जय। सो गाइस बहुत मुश्किल से मिला और देख सकते सब आदमी लोग पूरा जबरदस्त जोश में है, आराम से सब लोग हाय बोल रहे हैं, प्यारे बच्चे यहाँ पे। सो गाइस अभी लायन सफारी के मेन एंट्रेंस पे हम लोग हैं और एक गाड़ी ऑलरेडी गई हुई है और अपना गाड़ी पीछे है, सो अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं गाइस, यहाँ पे दो रानी बैठी हुई है मतलब शेरनी बैठी हुई है,
चलिए नजदीक से आपको दिखाते हैं। सो गाइस चलिए फाइनली हम लोग को दो शेरनी दिख गई। बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो लोग भी आराम से एंजॉय कर रही है बैठे बैठे, तो जूम करता हूँ तब तक ही आपको फाइनली शेर का दिखेगा फोटो। चलिए गाइस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। गाइस देखिए यहाँ पे है शेर, तो फाइनली गाइस शेर दिख गया यहाँ पे। पलटेगा भी देखना, पलटेगा ये। सो गाइस ये देख लिए, फिर सो फाइनली अब इसको छोड़ देते हैं आराम से और मजा आ गया भाई। शेर देख, शेर भी दिख गया, शेरनी भी दिख गई, तो चलिए पैसा वसूल हो गया पूरा प्रॉपर। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी आइए यहाँ, बहुत बेहतरीन दो पहाड़ के बीच में है। चलिए अब आपको बाहर और कुछ दिखाते हैं, उसका फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, एंड करेंगे। सो गाइस अभी हम लोग वापस घूम लिए अच्छा से और वापस अब जा रहे हैं एग्जिट गेट की तरफ। आपका नाम क्या है? सफारी गाइड। सफारी गाइड है ना आप? सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमको घुमाने के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ, मज़ा आया, बहुत मस्त आदमी हैं आप। ठीक है, थैंक यू भैया। तो बहुत बेहतरीन भाई ये जो है ना, बहुत बेहतरीन है, और भैया ड्राइव किए हैं बहुत मस्त, और उन्होंने गाइड बहुत अच्छा किया गाइस। तो गाइस होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर अनदर, कल के जो ब्लॉग में आएगा उसको भाई बहुत बेहतरीन ग्लास ब्रिज का दिखाऊंगा मैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर नए तहलका वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अमित सिंह साइनिंग ऑफ।